ये देखो पूरा ना, मतलब आपको आसपास दिख रहा होगा यार, चारों तरफ लग गई थी। और आज तो भाई यहाँ पे बर्फ है यार, ये देखो यार, और वो ऊपर आपको ट्री हाउस नजर आ रहा होगा। नेवला इसको लगा डाला तो दिन रात दांतों की झींगा डाला। हे गाइस गुड आफ्टरनून, तो अभी टाइम हो रहा है 12:25, तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में, सॉरी मेरा मतलब व्लॉग में, मेरे को यार हर बार वीडियो निकल जाता है मुझसे। चलो कोई बात नहीं, बना देता हूँ वीडियो ही है। और अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मेरे को काम था यहाँ आगे डिस्पेंसरी तक, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो बाकी व्यू चेक करो यार, आज आप ना पूरा मौसम ना चेंज हो गया है यार, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, आप देख लो, देख सकते हो यार पूरा मौसम ना, क्या व्यू आ रहा है यार, ज़बरदस्त एक नंबर व्यू है गाइस यहाँ का। तो रात को मैं सोया हुआ था, सुबह उठा तो मम्मी बोलते हैं आसपास देख बर्फ़ लगी हुई है, तो यार गजब है यार, मतलब ये देखो पूरा ना, मतलब आपको आसपास दिख रहा होगा यार, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ लगी हुई है यार। तो अभी हम जाएंगे पार्क में, बट ये रही हमारी डिस्पेंसरी, पहले मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है यहाँ पे, थोड़ा सा इंजेक्शन लगवाना है मेरे को, तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं यार, जाते हैं देखते हैं अगर यहाँ पे कोई होगा तो लगवा। तो गाइस अभी हमने इंजेक्ट वगैरह कर दिया खुद को, थोड़ा टेटनिस लगाना था, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं यार, दर्द काफ़ी ज़्यादा हुई, बट चलो कोई चक्कर नहीं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, मैं भाई को कॉल करता हूँ यार, अगर वो भी आएगा तो फिर हम साथ में जाएंगे आगे पार्क में। बट अभी ना यहाँ पे बर्फ़ लगी हुई है चारों तरफ यार, और कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा, कहीं स्लिप वगैरह लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। तो चलो देखते हैं, आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ यार, ये देखो यहाँ से व्यू सामने का। ऊपर देखो आसमान, आपको बादल नज़र आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, और ये देखो यार ये हमारा गांव खलैनी टॉप। यहाँ पे है मेरा घर खलैनी टॉप, मतलब ना काफ़ी मज़ा आता है यार यहाँ पे जब आना ना। तो ऊपर से आज इतना प्यारा मौसम हो रखा है, बर्फ़ लगी है चारों तरफ यार, ये देखो ऊपर आप देखो चारों तरफ ना, मतलब बर्फ ही बर्फ है यार, आपको क्या ही बताओ, मतलब कैसा फील आ रहा है अंदर से मेरे को अभी। और ये यहाँ पे मंदिर है, मेन मंदिर जो यहाँ का है। तो अब निकलते हैं हम यहाँ से पार्क के लिए, मैं भाई को फ़ोन कर लेता हूँ, अगर भाई आएगा फिर हम साथ में यहाँ से जाएंगे, ठीक है। बाकी व्यू देखो यार, पूरा काफ़ी ज़्यादा लगा है। और यहाँ से जाते हैं हम वापस डोडा के लिए, ये देखो क्लैन टॉप, यहाँ पे मेन गांव यहाँ पे, बट हमारा घर थोड़ा सा ना मतलब 5 मिनट की दूरी पे यहाँ से। और ड्रेसिंग करवाने गए हुए थे अभी हम, हाथ को थोड़ी सी मतलब लगी हुई है, हल्की सी, ज़्यादा कट भी नहीं लगा है, छोटी सी लगी है, तो उस वजह के लिए उसके लिए हमने ड्रेसिंग वगैरह भी करवाई अभी जाके। तो आज ना यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या, ठंड है तो है। मैं फ़ोन कर लेता हूँ भाई को, वो आएगा तो फिर हम यहाँ से साथ में निकलते हैं, उस साइड से आएगा। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि भाई बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ, तो मेरे को बोल रहा था थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को आने में, बट ये तो काफ़ी जल्दी आ गया यार, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है, ये देखो यार वो देखो वहाँ से छोटा छोटा सा चूज़ा आ रहा है एक। ओह गाइस मैं वेट कर रहा था भाई का कि भाई आएगा फिर हम साथ में निकलेंगे, तो भाई मेरे से पहले पहुंच गया था यहाँ पे, भाई आगे आगे जा रहा है, तो इसको बर्थडे ट्री ने थोड़ा सा काम बोला है, तो ये वो सामान लेके उनको पहुंचा के देगा, फिर इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी हम शॉप पे आए हैं तो सामान वगैरह लेना, तो ये देखो आयुष यहाँ पे, तो ख़त्म भी हो गई यहाँ पे, पहले काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ लगी हुई थी, अभी बिल्कुल कम कम हो गई है, नहीं तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी। सुबह उठ के मैंने वीडियो नहीं बनाई यार, अगर सुबह उठ के बनाता ना तो आप देखते कितनी बर्फ़ लगी हुई थी। ये है भाई साहब च्यवनप्राश, नहीं नहीं नेवला, इसको लगा डाला तो दिन रात दांतों की झींगा डाला, दिन रात झींगा डाला। तू पहुंचा के आजा, मैं रुकता हूँ। A few moments later, पहुंच चुके अभी हम घर पे बड़ी मम्मी के पास, तो ये देखो रिद्दू जी आए यहाँ पे, तो ये क्या है, ये कैमरा, तो ये दीदी हमारे, हेलो करो, हेलो ऐसे करो, हाय हमने ना जितना भी काम वगैरह था वो सारा खत्म कर दिया, बाय बाय। तो पीछे हमारी दीदी का लड़का था छोटा सा, आज आया था वो भी यहाँ घर पे, अरे तो उसके साथ भी हम खेल रहे थे अभी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से पार्क में, तो देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा जैसा आता है यार, आज काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा होगा यार यहाँ का। तो ये रहा यहाँ पे गाँव, वो पीछे आपको घर नज़र आ रहे होंगे, तो काफ़ी बड़ा गांव है वैसे ये,
बाकी कुछ घर नीचे भी है वहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे भी हैं इस वाली साइड, तो घर ही घर है चारों तरफ। बाकी मेरे हाथ को ना यार, ये आप जज नहीं करना, ये ऐसे थोड़ी सी ड्रेसिंग की हुई है, ज़्यादा लगी नहीं है, मतलब हल्की सी थोड़ा सा खरोच जैसी आई थी ना, कट जैसा लगा हुआ था, बट गलत जगह पे लगा था, तो इस वजह से पूरे हाथ को ये ड्रेसिंग की हुई है। तो छोटी सी छोटा सा कट लगा हुआ था, तो टेटनिस भी लगवा दिया हमने। अभी हम पहुंचने वाले पार्क में, आपको मैं व्यू दिखाता हूं। ये यार पार्क का, लेकिन यहाँ पे देखो यार कितना पानी है यहाँ पे, और ये देखो कैसे चल रहा है, शूज की बुरी हालत कर गया। ओए जूते तो बचा कम से कम, कैसे चल रहा है तू? तो कैसे निकल रहे हैं अभी हम पार्क में यार, और ये यहाँ का मिडिल स्कूल है। बाकी यहाँ पे कीचड़ ना काफी ज्यादा हो गई है यहाँ पे, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे क्या है ना कि फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि कल भी मेरे को स्लिप लगा, मैं नहीं चाहता आज भी मेरे को स्लिप लगे। पहले हुआ था ना, तो बस निकल रहे हैं गाइस अभी हम पार्क के लिए। बाकी मेरे पीछे देख सकते हो आप, अभी मैं इसलिए उल्टा चल रहा हूँ क्योंकि यार व्यू ना सामने से धूप अच्छी पड़ रही है, लाइटनिंग अच्छी आ रही है, इसलिए मेरे को उल्टा चलना पड़ रहा है। और ये बहुत काला है, इसलिए ये क्या बोलते हैं सफ़ेद आने की कोशिश कर रहा है। नहीं गाइस, आपको पता है मैं कैसा हूँ यार, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो निकलते हैं, सुबह के टाइम यहाँ पे इतनी बरसती ना, आपको क्या ही बताऊँ मैं। और ये इस वाली जगह पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है, जहाँ पे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी सामने, तो यहाँ से एंटर होते हैं। ये वाला गेट तो अभी बंद है, तो हम छोटे वाले से एंटर होंगे, ठीक है। बाकी एंटर हो चुके हैं अभी हम पार्क में। सामने देखो यार, पूरे ना आसमान में आपको हल्के हल्के से बादल नज़र आ रहे होंगे। तो निकलते हैं अभी हम यहाँ से पार्क में, आगे बैठेंगे, थोड़ा व्यू देखेंगे यहाँ का कैसा जैसा। और यहाँ पे ना मंदिर भी है, तो वहाँ पे भी जाएंगे हम। पार वाली साइड ना इतनी ठंड नहीं है, मतलब जहाँ से अभी हम आए हैं वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना इतनी ठंड लग रही है हमें अभी, क्या बताऊँ आपको, है ना सर्दी थोड़ी थोड़ी। नहीं नहीं है, तो ये तो बोल रहे सर्दी नहीं है, बट यार काफ़ी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। ऑसम व्यू आ रहा है यार, एक नंबर व्यू आ रहा है गाइस, व्यू चेक करो। ये देखो साइड साइड पे कितनी बर्फ़ है, और ये देखो हट के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ लगी हुई है। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा बोटैनिकल गार्डन है, तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम वगैरह भी लिखे हुए हैं प्लांट्स वगैरह के, वो आपको ग्रीन ग्रीन से बोर्ड नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, वहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। और बर्फ़ देखो यार, ये देखो, ये देखो कैसी जैसी लोकेशन पे अभी हम, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइज अभी हमें यहाँ पे, मतलब ना चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है यार यहाँ पे, कितना प्यारा व्यू है। अभी तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, लेकिन अगर एक दो दिन कंटिन्यू बारिश लगेगी ना, तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्या ही बताऊँ आपको। वो देखो यार, मतलब ना चारों तरफ देखो यार क्या व्यू है यार, इतना प्यारा व्यू है, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे जन्नत में आए हो आप, किसी जन्नत की सैर कर रहे हो आप यार। असली जन्नत तो यही है यार, लोग झूठ बोलते हैं कि मरने के बाद आप जन्नत में जाते हो, असली जन्नत तो मेरे को यही लग रही है। और वो वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप है, बाकी आज तो यहाँ पे कोई नहीं होता, आज तो यहाँ पे लोग वगैरह नहीं होंगे कुछ उतने, बट ऐसे हल्का फुल्का सा यहाँ पे एक आध आपको आदमी मिल जाएगा। गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है यार, मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे। तो व्यू देखो यार कितना औसम है, और यहाँ पे बैठने के लिए लोगों के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मंदिर है, किसका मंदिर है? ये शिवजी भगवान का। ये देखो यहाँ पे आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा, तो दर्शन कर लो। तो ओ भाई क्या रास्ता है यार। तो ये देखो यहाँ पे फुहारे वगैरह यहाँ पे हुआ करते हैं, यहाँ पे फुहारे चलते हैं फाउंटेन। तो वो सामने ट्री हाउस भी है यहाँ पे, वहाँ पे आपको हल्की हल्की सी सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी यार, बुरी हालत हो गई इस ट्री हाउस की। जिस टाइम हम अजय भैया के साथ आए हुए थे, तो उस टाइम भी यहाँ पे बारिश लग गई थी, और आज तो भाई यहाँ पे बर्फ़ है यार। ये देखो यार, और वो ऊपर आपको ट्री हाउस नज़र आ रहा होगा, ये देखो यार। तो ऊपर जाके भी आपको हम दिखाएंगे, बस स्लिप नहीं लगना चाहिए यार। तो चलो ऊपर जाके दिखाते हैं आपको, वहाँ से व्यू दिखाएंगे हम ट्री हाउस का। तो
ये देखो यार यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा अब ये टूट गया है यार, अब आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बुरी कंडीशन हो रखी है अब इसकी। तो आज गीला है ना ये, तो कहीं गिर ना जाए यार यहाँ से। गिरेंगे वाला यहाँ से? फिलहाल तो नहीं, ये लोहे का है, पक्का हुआ है अच्छे से, काफी पक्का ही है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएंगे यार। तो गाइज अभी हम आ गए ट्री हाउस के पास, ये देखो आप पीछे मेरे ट्री हाउस है, बट यहाँ पे ना मैंने नाम भी लिखा हुआ था यार अपना। तो बाकी मैंने यहाँ पे कहीं अपना नाम लिखा हुआ था, मुझे वो नाम नहीं मिल रहा यार। और ये देखो अंदर से आज यहाँ पे खाली है, अदरवाइज यहाँ पे पहले गद्दे हुआ करते थे, तो अब वो तो उतार दिए। बाकी यहाँ पे देखो यार, यहाँ से एक खिड़की भी है इसको लगी हुई, तो ये व्यू चेक करो यार यहाँ से कितना प्यारा व्यू। और पेड़ देखो यार, कितने बड़े बड़े पेड़ है यार यहाँ पे, वो देखो यार, मतलब जहाँ तक नजर घुमाओगे आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। तो उतरते हैं यार आराम से, काफी ज्यादा खराब रास्ता है यार, आराम से उतरना पड़ेगा। यहाँ पे ट्री हाउस, ये रहा आप देख सकते हो सामने, काफी हाइट पे है यार ये पेड़ की। तो ये देखो भाई ने यहाँ पे क्या किया है, तो अपना दिल यहाँ पे इसने दे दिया है, यहाँ पे जिसको चाहिए होगा वो ले सकता है, वो ले सकता है। ठीक है, तो व्यू काफी बढ़िया है यार यहाँ का। तो यहाँ पे आगे ना मतलब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे झूले वगैरह भी बने हुए हैं, बट वहाँ पे अभी कोई फायदा नहीं जाके, क्योंकि पूरी कंडीशन हो गई यार। और यहाँ पे कुछ विकेट्स वगैरह दिख रही है, मतलब यहाँ पे शायद क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं लोग। यहाँ पे स्लिप लग रहा है यार मुझे, हल्का हल्का सा ना स्लिप फील हो रहा है। यहाँ पे व्यू चेक करो यार, क्लैनी टॉप आओगे ना तो इस लोकेशन पे तो आना ही आना, जरूर आना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि क्लैनी टॉप इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। क्लैनी टॉप यहाँ पे जो ये पार्क बनी हुई है, काफ़ी बढ़िया पार्क है यार यहाँ पे ना, मतलब बहुत दूर दूर तक आप पीछे देख सकते हो मेरे, जितने दूर तक देखोगे ना पूरा मैदान नज़र आ रहा होगा आपको, पूरा मैदान है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से मंदिर भी बने हुए हैं जगह जगह पे, वो देखो मेरे पीछे एक मंदिर है। बाकी ये रहा बच्चों की खेलने की पार्क यहाँ पे, ये देखो यार यहाँ पे जगह जगह पे आपको झूले देखने को मिल जाएंगे। तो पहले तो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले हुआ करते थे, यहाँ जैसे भी एक झूला था, तो यहाँ से भी उतार दिया, मतलब निकाल दिया। इस जगह पे भी झूला था जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे वो झूला है सेम यही वाला झूला यहाँ पे हुआ करता था। और इधर साइड पे देखो यार, यहाँ पे मतलब ना पूरी पार्क एक नंबर बनी हुई थी यार, आपको क्या ही बताऊँ मैं, मतलब एक नंबर व्यू था यार यहाँ का। बट जब से यहाँ पे यहीं के लोकल ने यहाँ पे यार थोड़ी सी खराबी वगैरह कर दी है, मतलब केयर नहीं लगी होने यहाँ की ना, तो उस वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बट चलो ये अब दोबारा से रिकवर कर रहे हैं, यहाँ पे सुनने में आया कि अब दोबारा से इसको हम ठीक कर देंगे पार्क को। तो यार अब हम छोटे छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो पार्क में घूमने जाएंगे, यहाँ पे झूले वगैरह पे घूमने जाएंगे, तो हम तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को देखने आते हैं ना। तो काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट है यार यहाँ का, मतलब एक नंबर व्यू है यार, गजब। यहाँ पे ना बर्फ भी लग जाती है यार, अगर यहाँ पे दो तीन दिन कंटिन्यू बारिश रहती ना, तो लगभग ना मेरे पैरों तक यहाँ यहाँ तक बर्फ होती है यार, एक एक फुट दो दो फुट बर्फ पड़ जाती है यहाँ पे। इस काफी मजा आ रहा है यार हमें यहाँ पे, तो मेरी रील्स नहीं बना रहा यार कोई भी, अब क्या ही बताऊँ आपको, मेरे को रील्स बनानी थी, इंस्टा पे चढ़ानी थी, बट रील्स कोई बना ही नहीं रहा है यार। तो मजा आ रहा है यार काफी ज्यादा हमें यहाँ पे। तो गाइज निकल रहे अभी हम यहाँ से वापस, और ये हमारे आयुष ब्रो, ये देखो कहाँ पे बैठे हैं यार, ये क्या हरकत कर रहे हैं, चल यहाँ से। ये वीडियो वगैरह भी अभी एडिट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। बाकी यार रीच ना दो चार दिन से नहीं मिल रही यार चैनल पे, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और मैं अपना वीडियो की टाइमिंग 9 बजे की रख रहा हूँ यार, क्योंकि टाइम का काफ़ी ज़्यादा लोचा पड़ रहा है यहाँ पे ना, मतलब थोड़ा यहाँ पे एक तो लाइट वगैरह का भी सीन है, लाइट यहाँ पे टाइम की आती नहीं है, तो उस वजह से फ़ोन में बैटरी भी नहीं बचती। कल से हम 9 बजे वीडियो अपलोड करेंगे सुबह, आज से हम टाइमिंग ही उसकी 9 बजे की रख लेंगे ना, तो फिर ठीक रहेगा, 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। कि 700 सब्सक्राइबर्स आप जल्दी से जल्दी कर दो, काफ़ी करीब हम 700 सब्सक्राइबर्स के, और काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स भी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और अभी 1K नहीं हो रहे हैं, वो तो अलग बात है, पर ऐसे तो बढ़ तो रहे हैं ना, फिर भी जल्दी से जल्दी 1K कराओ, पहले 700 सब्सक्राइबर्स करवाओ यार आप, 1K फिर हम करते हैं। बाकी यार काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स ग्रो कर रहे हैं, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, सोच कि 700 सब्सक्राइबर्स हो गए, आ जाना साथ में, चलो। नहीं नहीं मैं नहीं चलता, मैं साथ नहीं चलता। बाकी बस ये आज छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक बढ़िया से व्लॉग में। तो तब तक के लिए ओके, बाय 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 गाइस।